अलार्म बदलन दे मामले संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने किया वड्डा ऐलान। 18 साल तो वध उम्र का व्यक्ति आप चुन सकता है अपना धर्म। सुप्रीम कोर्ट ने उस पटीशन ते सुनवाई करने तो इनकार कर दिता जिस विच अंधविश्वास, काले जादू, गैर कानूनी अते जबरी धर्म परिवर्तन ते पाबंदी लगाउन दी मांग की गई सी। काले जादू अते जबरी धर्म परिवर्तन नू रोकन लई केंद्र ने कहा कि 18 साल तो वध उम्र दा व्यक्ति अपना धर्म आप चुन सकता है। जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस बी आर गावई अते जस्टिस ऋषिकेश राय दे बेंच ने पटीशनर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय वालों पेश होए सीनियर वकील शंकराइन नु कहा कि धारा 32 तहत ही किस तरह की पटीशन है, असी तुहाडे ते भारी जुर्माना लगावांगे। बेंच ने कहा कि 18 साल तो वध उम्र वाले किसी व्यक्ति नु उसका धर्म चुनने की मंजूरी नहीं देने का कोई कारण नहीं है। बेंच ने कहा कि 18 साल तो उपर की उम्र वाले नु अपना धर्म चुनने का पूरा अधिकार है, अदालत उसनु अजिहा करन तो किवें रोक सकती है। इसलिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अते काले जादू की वरतों ते पाबंदी लगाई जानी चाहिए है। हर हफ्ते देश विच सब पूरे देश विच हो रहा है, जिसनु रोकने लई एक कानून की जरूरत है। इस तरह अंधविश्वास, काला जादू अते गैर कानूनी धर्म परिवर्तन का अभ्यास संविधान के आर्टिकल 14, 21 अते 25 की उलंघना करता है। बेंच ने शंकराइन नु कहा कि संविधान विच प्रचार शब्द नु शामिल किए जाने के पिछे कारण है। इस तो बाद शंकराइन ने पटीशन वापस लेने अते सरकार अते कानून कमीशन के सामने रिपोर्ट दायर करने की मंजूरी मंगी। बेंच ने कानून कमीशन के सामने रिपोर्ट की मंजूरी देने तो इनकार कर दिता अते कहा कि असी तुहानू ये मंजूरी नहीं दे सकते। अदालत ने वापस लई गई पटीशन के रूप विच इसका निपटारा किया। हुण आखिर दे विच फैसला हो चुका है कि 18 साल तो वध उम्र का व्यक्ति अपनी मर्जी दे नाल कोई भी धर्म चुन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।